Completely. Hello, good morning. Welcome to my channel Gypsy in Boots once again. And this is Prashanto here. और मेरा बद्रीनाथ ट्रिप का ये चल रहा है सिक्स डे. अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत ठंड है, फ्रीजिंग है पूरा. ठीक है, ये भी एंजॉयबल है. तो अभी ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, चाय भी पी लिया. थोड़ा सा ठंड, थोड़ा सा सूरज और उगे और मैं यहाँ से निकल पड़ूँ ऋषिकेश के लिए. मेरा बद्रीनाथ बहुत अच्छा गया, मैंने माना विज़िट किया बद्रीनाथ. एक्चुअली मेरा ये वाला रूम था पीछे, ये रूम जो है वो बद्रीनाथ से कम 2.5 किलोमीटर दूर है, हेलीपैड के बाद है ये. और सामने आप देखेंगे, यहाँ से आप दूर में देखेंगे, आपको दिखेगा माना विलेज दिख रहा है. ये जस्ट 1 किलोमीटर है माना विलेज यहाँ से. तो मैं कल माना विलेज तो पूरा ट्रेक किया भीमपुल तक, फिर आया, फिर यहाँ से मंदिर तक ट्रेक करके गया, फिर ट्रेक करके आया. तो कल मेरा बहुत पैदल भी हो गया, ड्राइव भी हो गया. लेकिन रात को इतने ठंड होने के बावजूद भी मैं 9:30 बजे सो गया कल, और बहुत अच्छा नींद आया. और सुबह सुबह मैं जल्दी रेडी हो गया. अभी देखते हैं कितने जल्दी निकलते हैं, क्योंकि मैं रेडी हूँ लेकिन बस ठंड बहुत है. तो इस वजह से मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और टेम्परेचर 2-3 डिग्री एटलीस्ट उठ जाए. मेरा सामने का व्यू देख लीजिए अभी सुबह सुबह. ये पता नहीं गाड़ी कितने जल्दी स्टार्ट लेगा, ये तो पूरा ठंड पड़ चुका होगा. कैसे स्टार्ट होगा ये आइडिया नहीं है मुझको, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं. ये मेरा रूम है, देख लीजिए, ये एक्चुअली ट्रिपल बेड रूम है. ये मेरा सामान है यहाँ पे, और दिस इज द बाथरूम. इसमें गीजर भी है. ये मुझको पड़ा 1500 रुपये विद गीज़र. प्रॉब्लम ये है कि पूरा बद्रीनाथ में रूम अवेलेबल नहीं है. अगर रूम भी अवेलेबल है भी तो वो बहुत कॉस्टली है, 3000, 4000, 5000, 6000, कुछ भी बोल रहा है. सो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. तो मैं थोड़ा दूर ये रूम लिया, बट अच्छा है, रात को खाना भी अच्छा था. इट्स ओके, यू कैन स्टे ओवर हियर. अच्छा, यहाँ के राहुल भैया से आपसे मुलाकात करवा देते हैं. राहुल भैया आ जाइए ब्लॉग में. तो ये है राहुल भैया, ये मैनेजर है. ये है कमला गेस्ट हाउस जी. आपका फोन नंबर एक बार बता दीजिए. 8755480804. ये है हेलीपैड से थोड़ा आगे आके, ये यहाँ से माना है शायद 1.5 किलोमीटर, और यहाँ से मंदिर है 3 किलोमीटर. तो यहाँ पे आके आप ठहर सकते हो, क्योंकि यहाँ सबसे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ आसपास कोई शोर शराबा नहीं है. ये एकदम शांत माहौल है, सामने नजारे ही नजर है. तो आप यहाँ आके आराम से रुक सकते हो, है ना? ठीक है राहुल भैया, अच्छे से अभी भी निकलने में टाइम है. राहुल भैया से आपका फोन नंबर मिल गया, तो यहाँ पे आके आप ठहर सकते हो. अभी भी बहुत हवा चल रहा है. चले अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं गोप्रो में. तो सुबह के बजे 8:45, अल्टीमेटली हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ से, है ना? तो स्टार्ट कर चुके हैं हम बद्रीनाथ से. सो अगेन रोड पे, अभी यहाँ से मेरा चालू हो रहा है कलकत्ता तक का रिटर्न जर्नी. अभी मन थोड़ा उदास हो रहा है,
क्योंकि छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी अच्छे नज़ारे फिर कब देखने को मिलेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरे एक्चुअली विंटर ग्लव्स नहीं है, थोड़ा हाथ में ठंड ज़्यादा लग रहा है। तो सामने ही मेरा राइट साइड में वो बद्रीनाथ मंदिर है, उधर चलो निकलते हैं। ये सामने जो एकदम ट्रायंगुलर शेप में जो स्नो पीक दिख रहा है वो है नीलकंठ पर्वत। क्या नज़ारे है देखो, उफ, यहाँ पे लगा हुआ है जैम। वो सामने आ रहा है बद्रीनाथ का गेट जो क्रॉस करके हम आए थे, और सामने ये राइट हैंड साइड में बद्रीनाथ जी का मंदिर। जय बद्री विशाल। तो वो ऊपर देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो और एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो चार धाम का हेलीकॉप्टर। तो सुबह सुबह यहाँ पे जैम लगा हुआ है, यहाँ पे ही आते समय में ब्लास्टिंग का काम चल रहा था, अभी भी शायद यहाँ पे वही ब्लास्टिंग का काम चल रहा है, इसलिए पूरा जैम पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे जाके खड़ा होने का। बहुत सारे गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ है। तो ये दाएं तरफ है हनुमान चट्टी, जो जैसे मैं बोल रहा था आते समय भी यहाँ पे भीमसेन से हनुमान जी का मुलाकात हुआ था महाभारत युग में, जो कि द्वापर युग, जहाँ पे हनुमान ने भीमसेन का अहंकार भंग किए थे। ये जगह मैं जाते समय देखा था तब, लेकिन तब मेरा होटल का टेंशन था इसलिए मैं तब रुका नहीं। क्या ब्यूटीफुल प्लेस है देखो, यहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ पे स्नो पीक माउंटेन है, रोड है। यहाँ ये वाला नदी कौन सा है कोई मुझे बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए।
ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं योशीमठ। योशीमठ यहाँ से करीबन और 10 मिनट लगेगा। योशीमठ का ही चढ़ाई है ये। तो आ गया एक अच्छा खासा वाटर क्रॉसिंग। थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पे। अरे गाड़ी को देखो, अरे वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है। चल चल चलो 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 गया। ऑलमोस्ट गिर गए थे हम। तो बद्रीनाथ से हम रिटर्न में हिलोंग पहुंच गए। तो एक्चुअली हिलोंग से जोशीमठ का रास्ता बहुत ही ख़राब है। उसके बाद बद्रीनाथ में भी ख़राब था लेकिन इतना नहीं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा चाय पिए। दो बंदे से फिर मुलाकात हो गया है, राजा बोल के उड़ीसा से। तो हाय राजा, जब भी वीडियो देखना लाइक कर देना, तुम्हारे लिए है ये। तो चलो अभी फिर से निकलते हैं और मिलते हैं बाइक पे। खाना क्या मिलेगा भैया? खाना क्या मिलेगा? खाना 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 हाँ, क्या मिलेगा? दाल चावल रोटी पराठे मैगी बन मक्खन। अच्छा, अब मैगी दे दो एक। मैगी हाँ, तीखा ज्यादा मत कीजिएगा। एक अपना बैग। तो यहाँ से निकलते हैं अभी। तो ये है कर्णप्रयाग से थोड़ी देर बाद। तो पेट भर गया, खाना खा लिए पूरा, एक मैगी खा लिए। Shut up.
कर गए यार। हाथ में लगा जोर से। ये राइट हैंड का डिस्क पे लगा। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही स्टीप डाउन है, और एक्चुअली क्या हुआ आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सामने का गाड़ी था वो अचानक वो साइकिल वाला को ओवरटेक किया। तो एक्चुअली गोप्रो में तो वो बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत नज़दीक था। तो मैं वहाँ पे क्या हुआ थोड़ा हैंडल को घुमाने गया और नीचे बड़ा बड़ा पत्थर था तो उसमें हो गया स्किड। अभी थोड़ा आगे जाके रुकते हैं, देखते हैं कि बाइक में कहाँ कहाँ चोट आया है। अभी फिर से ये गाड़ियाँ इतना जल्दी यहाँ पे घुसता है ना, ये बाइक वाले को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। देख रहे हो पूरा रोड जो है वो पूरा नीचे तक की तरफ गया है, और ये जो डाउन स्टीप है और जिसमें ग्रेवल्स और पत्थर रहता है तो इसमें थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा लो हो जाता है इसमें। और वही हुआ जिसके वजह से वो क्रैश हो गया वहाँ पर। मैं तो यहीं पर रुकते हैं, देखते हैं कहीं पर गाड़ी में कहाँ कहाँ चोट आया। लाइट थोड़ा टेढ़ा हो गया था, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। ये रैश गार्ड ये सैडल बैग जो है ये थोड़ा गाड़ी को सेफ कर देता है। ये मेरा लेग गार्ड जो है वो टेढ़ा हो गया। बाकी इतना अभी ठीक है। और तो कहीं चोट लग नहीं रहा है गाड़ी में, होप ऑल गुड। चलो निकलते हैं, यही चोट लगा है यहाँ पे, थोड़ा दर्द हो रहा है। धर्म ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। वो सामने आ रहा है भागीरथी जो गंगोत्री से आ रहा है। यही टर्न लेंगे और 2 मिनट में पहुंच जाएंगे देवप्रयाग। तो क्रॉस कर रहे हैं देवप्रयाग। तो अभी अब मैं और नहीं रुकेंगे क्योंकि आते समय रुक के आप लोगों को सबको दिखा दिए थे। अभी बज रहा है शाम के 5:30 और मुझे अभी भी शायद ऋषिकेश लग जाएगा 3-3.5 घंटा। तो नहीं रुक के आगे निकलते हैं। तो मेरा तस्वीर सब देखने के लिए इंस्टाग्राम में अब मेरे मुझको फॉलो कर लो ताकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट है आपको मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना लेने का जो है जो वो मन करेगा। तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो रहा है तो अभी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी और दिखाने का और मतलब नहीं बनता है क्योंकि पूरा डार्क हो जाएगा। और हम मिलते हैं एकदम ऋषिकेश जाके, पता नहीं आज ब्लॉग और हो पाएगा कि नहीं। तो एक्चुअली आज है डे 7, कल मैं ऋषिकेश पहुंच गया था रात को 8:30 बजे, लेकिन वो क्रैश के वजह से और इतना देर चला के बहुत तबीयत ख़राब हो गया था तो कल मैं और ब्लॉग नहीं किया। आज मैं ऋषिकेश में ही रुक गया। ये मेरा होटल के पास में ही है, ये ऋषिकेश का टाउन है एकदम लक्ष्मण झूला के पास ही। सामने थोड़ा देर आ जाके वो नीचे है लक्ष्मण झूला, वहाँ पे पहाड़ी के नीचे यह एक मंदिर, शिव मंदिर। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। ऋषिकेश में फिर से एक जान पहचान वाला मिल गया, मेरा पुराना ऑफिस कॉलीग जो मुझको एक्चुअली गढ़वाली महाराज का चस्का लगाया था, वही मीट मिस्टर मिस्टर अनिर्बन धर और ये भाभी जी। तो आज हम आए हैं बीटल्स में, बीटल्स कैफे में। तो हम आए हैं बीटल्स कैफे में डिनर करने। तो क्या ऑर्डर हुआ है दादा, क्या ऑर्डर हुआ है? राइस। तो ऑर्डर हुआ है व्हाइट राइस, सेम और केरलाइट करी, केरलाइट करी चिली पनीर और चिली पनीर। ओके, केरलाइट कोकोनट करी, बेसिकली इसे केरलाइट कोकोनट करी। तो देखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहा है, चलो खाते हैं फिर बात करते हैं फिर से।